blood. सो भाई लोग एक रिक्वेस्ट है कि अलग टॉपिक पर भी अगर मैं वीडियो बनाऊं तो प्लीज जरूर देखना। भाई लोग आज हम लोग सीखने वाले हैं सुपर फास्ट वन टैप हेडशॉट ट्रिक। अब ये होता क्या है, देखो न्यू प्लेयर भी आते हैं वन टैप हेडशॉट मारते हैं और तुम भी पुराने होते हुए भी वन टैप हेडशॉट मार रहे हो, तब उनमें और तुम में कुछ तो फर्क होना चाहिए, कुछ तो ऐसा होना चाहिए वन टैप में भी और गेम प्ले में भी जिससे कोई भी पहचान जाए कि नहीं ये बंदा अच्छा खेलता है और ये बंदा खराब खेलता है। सो अगर तुम लोग भी चाहते हो कि कोई भी बंदा तुम्हारी नाम करे और तुम्हारी वन टैप हेडशॉट की तारीफ करे, मतलब कि तुम लोग इतने सुपर फास्ट तरीके से वन टैप मार पाओगे अगर ये वीडियो तुम लोग कंप्लीट देखते हो तो। और ये मैं सही बता रहा हूँ, एकदम रियल ट्रिक बताऊंगा जो कि हर बंदा यूज करता है और मैं खुद यूज करता हूँ। और ऐसा तुम लोगों को अगर सीखना है भाई तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर देना। एटीट्यूड भाई ये बताओ कि सिंपल वन टैप और सुपर फास्ट वन टैप में क्या अंतर है और ये हमें सीखना क्यों चाहिए? तो फिर ये समझो, देखो ये जो क्लिप तुम्हें दिख रही है ये एक सिंपल वन टैप की क्लिप है। इस तरह का वन टैप कोई भी न्यू प्लेयर्स या फिर न्यू प्लेयर्स आसानी से मार सकता है, लेकिन जैसा कि तुम लोग ये क्लिप देखो इस पर मैंने सभी ट्रिक को फॉलो किया है, देन तुम लोग देख सकते हो इसमें और उसमें कितना ज्यादा अंतर है। सो अब ये समझो, तुम लोग अगर सुपर फास्ट ट्रिक यूज करना चाहते हो देन तुम लोगों को रेड एम पर मारना चाहिए या फिर व्हाइट एम पर। तो फिर ये समझो, देखो अगर तुम लोग किसी भी बंदे पर रेड एम करके मारना चाहते हो देन तुम लोगों को क्या करना होगा, सबसे पहले बंदे पर अपना एम को लॉक करना होगा जिससे कि तुम्हारा एम रेड हो, देन तुम लोग फायर करोगे और तब जाकर वन टैप लगेगा, जो कि एक स्लो ट्रिक है। वहीं अगर तुम लोग वाइट एम पर बिना देखे ड्रैग कर देते हो या फिर रोटेशन कर देते हो तो इससे चांसेस भी ज्यादा होते हैं कि बंदे को हेड लग जाए। और इस पर रेड एम की कोई टेंशन नहीं होती, तुम्हारे एम जहां भी हो वहीं से तुम लोगों को ड्रैग कर देना होता है जिससे फास्टेस्ट वन टैप लगते हैं। सो टिप नंबर टू, और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तुम अगर फास्टेस्ट वन टैप मारना चाहते हो तो फिर वो ट्रिक है क्या, वो ट्रिक है क्विक वेपन स्विच का यूज। जैसा कि मैं हर वीडियो पर बताता हूँ कि तुम लोगों को क्विक वेपन स्विच यूज करना है लेकिन तुम लोग करते नहीं हो, देन तुम लोग ये समझो कि इससे तुम्हें कितना ज्यादा फायदा होता है। सो देखो अगर तुम लोग बिना क्विक वेपन स्विच का यूज करे मारते हो तो कुछ इस तरह से तुम लोगों का वन टैप लगेगा और तुम लोग मारने के बाद एक जगह पर रुक जाओगे, जो कि एक स्लो ट्रिक है। वही अगर तुम लोग क्विक वेपन स्विच का यूज करके मारते हो देन तुम लोगों को कुछ इस तरह से वन टैप लगेगा, मतलब कि मारने के बाद तुम्हारा जो गन होगा वो हाथ से तुरंत से छूट जाएगा। और इसका एक फायदा ये है कि तुम लोग जैसे इसको जल्दी से प्रेस करते हो देन तुम्हारा एम ऑटोमेटिक ऊपर जाता है जिससे हेड लगने की जो चांसेस होती है वो ज्यादा होती है। अब बात करते हैं टिप नंबर थ्री पर, जो कि इसी तरह से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो तुम्हें क्या करना है, जैसे तुम लोग फायर करते हो देन अगर तुम लोग सिर्फ और सिर्फ क्विक वेपन स्विच को दबाते हो तो तुम लोगों का वन टैप उतना ज्यादा फास्ट नहीं होता है, लेकिन वही अगर तुम लोग क्विक वेपन स्विच के साथ साथ रन बटन को भी क्लिक करते हो देन तुम लोग ये पाओगे कि तुम लोगों का वन टैप पहले से भी ज्यादा फास्ट लग रहा है और इसका जो लुक है वो उससे भी ज्यादा बेटर है, जैसा कि तुम लोग इस क्लिप पर देख ही पा रहे हो। सो देखो इतनी सी ट्रिक ही काफी नहीं है, तुम्हें एक और ट्रिक को और ज्यादा फॉलो करना होगा जिससे तुम लोगों को अगर कोई स्पेक्टेटिंग भी करे या सिंपल सा तुम्हारा हैंड कैम देखे तो बहुत ही एक्सक्लूसिव लुक दे। तो फिर वो ट्रिक है क्या? सो वो ट्रिक है ड्रैग स्पीड। देखो यहाँ ये मैटर नहीं करता कि तुम वन टैप मार रहे हो, बल्कि यहाँ ये मैटर करता है कि तुम अपने एनिमी से ज्यादा फास्ट वन टैप मार पा रहे हो या फिर नहीं मार पा रहे हो, क्योंकि अगर तुम लोग अपने एनिमी से स्लो वन टैप मार पाते हो देन तुम लोग हारना निश्चित होता है। सो तुम्हें क्या करना है, अपने फायर बटन को जब भी तुम लोग ड्रैग करो या फिर रोटेशन ड्रैग करो देन तुम लोग को बहुत ही ज्यादा फास्ट करना है अगर तुम लोग ऐसा करते हो। और साथ ही तुम्हें एक चीज करना है, जैसे तुम लोग ड्रैग को करते हो तो साथ ही साथ तुम्हें अपनी स्क्रीन को भी ऊपर करना है। अब इससे क्या होगा, तुम्हें स्पेक्टेटिंग में या फिर तुम्हारे हैंडकैम पर जैसा कि तुम देख सकते हो वीडियो क्लिप पर, यह बहुत ही गजब का लुक देगा और इससे तुम्हारी जो वन टैप है उसकी स्पीड भी बहुत ही ज्यादा होती है। सो भाई लोग वीडियो जैसा भी लगा प्लीज कॉमेंट करना और अगर पार्ट टू चाहिए तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना।